हेलो आई फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी को प्रिया ब्लॉग ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं क्वास्ट की सब्जी का रेसिपी। तो आप सब फुल वाचिंग वीडियो करिए तो भी देख सकते हैं। फ्रेंड ये है क्वास्ट और इस तरह का है। तो हम मार्केट गए थे ना, तो हम देखें क्वास्ट पहली बार हम बना रहे हैं और पहली बार भी खाएँगे फ्रेंड। तो ये मार्केट में बिक रहा था तो हस्बैंड को बोले थे क्या है, तो बोला क्वास्ट। तो बोले कैसा लगता है, तो बोले ले लीजिए तो बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड आज हम बना के आप सबको दिखाते हैं क्वास की सब्जी कैसे बनता है और कैसे लगता है खाने में। तो चलिए आप सब बने रहिए, फुल वाचिंग वीडियो करिएगा फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड, हम क्वास को ले लिए और क्वास को हम अच्छी तरह से काट के छील के बनाएंगे। तो अभी देख सकते हैं थोड़ा सा मुन्नी काट लिए हैं। तो चलिए इसको हम अच्छी तरह से छील लेते, कि इसमें बोखला होता है बहुत ही मोटा, तो इसको छील के बनाया जाता है। तो इस तरह देख सकते हैं छील रहे हैं। रेस्टोरेंट से पूछे थे, वो बनाए हैं बहुत बार, तो हम नहीं खाए थे फ्रेंड क्योंकि बाहर में वो सब रहते हैं ना बनाते। तो हमें देखिए अच्छी तरह से छील लिए हैं और कितना पिछल होता है पिछड़ छीलने के बाद फ्रेंड। और इसको हम चलिए बीच से काट लेते हैं, दो भाग करके कर लिए। अंदर में देख सकते हैं बीच है इसका, और इसको हम आम की तरह है और इस तरह हम काट के अच्छे से चक्का के जैसा, आलू चक्का जैसा काट लिए। और अच्छे से हम सारा कट गया है मेरा और धो रहे हैं अच्छे इस तरह से देख सकते हैं। धो के अच्छे से प्लेट में रख लिए सारा निकाल के। मेरा तेल अच्छे से गर्म हो चुका था तो हम उसमें 5 फ़ोरन डाल दिए हैं। अच्छे से 5 फ़ोरन पका लेते हैं, तो फिर हम उसमें डालेंगे प्याज ऐड करेंगे। तो अभी देख सकते हैं मेरा फ़ोरन पक गया था, हम प्याज को डाल दिए हैं। प्याज को ऐसे ब्राउन कलर तक भून लेते हैं। तो भी और ये लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट, तो इस तरह देख सकते हैं उसको भी हम डाल दिए। अच्छे से मेरा पक गया है तो भी देख सकते हैं। और हम चली डाल दिए हैं क्वास को, और इस तरह करके हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अच्छे से फिर सारा मसाला डालेंगे। तभी देख सकते हैं टमाटर काटे थे, एक टमाटर दिए हैं, तो फ्रेंड देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा मस्त लगता देखने में, खाने में पता नहीं कैसा लगे। और स्वाद अनुसार नमक हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर धनिया पाउडर और हम सारा दे दिए, मसाला को ऐड कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से चलिए इसको मिला लेते हैं। तो इस तरह देख सकते हैं फ्रेंड, और मिला के और इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे पानी। और क्योंकि हम बाहर में आए तो यहाँ रेस्टोरेंट भूखा हुआ इस मसाला खाते हैं, तो इसी कारण देख सकते हैं हम पानी दे दिए हल्का सा। अब धीमी तवा में सीझने के लिए हम रख दिए हैं पकने के लिए। तो भी देख सकते हैं इसी तरह हम पका लेते हैं ढक ढक के, बीच बीच में निकाल निकाल के चलाते हैं। तभी इस तरह देख सकते हैं इससे चलाइएगा फ्रेंड। और इसको मेरा हो गया था बहुत अच्छा से बन गया था, सीज गया था, तो इसमें हम पानी थोड़ा सा ऐड कर दिए। और क्योंकि जोर में खाने के लिए रोज सब्जी और चावल खाने में अच्छा लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा देख सकते हैं इस तरह मेरा बन के रेडी हो गया। तो देख सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड मेरा क्लास का सब्जी बन के रेडी हो गया। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं चख के कैसे बना है। बहुत ही अच्छा बना फ्रेंड, और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय।